ये तो गोभी फूल हम जो कि हमने कहाँ से तोड़े हैं मैं आपको दिखाती हूँ। वो जगह देख सकते हैं आप, वहाँ लगे हुए हैं, वहाँ से हम तीनों को उखाड़ लिया है। तो अब हम इसकी सब्जी बनाएंगे, इस गोभी की। तो आप देख सकते हो कि ये फ्रेश गोभी है मेरे पास बिल्कुल। ठीक है, तो मैंने इसको यहाँ रख दिया, इसको धोएंगे हम। ये हमारे एलोवेरा लग रहा है। उम्र बढ़ा मैं तो चिपकेंगे। देख सकते हो कि हमारी मम्मी ने पतीली रख ली है। तो अब हम गोभी मटर और आलू की सब्जी बनाएंगे। आग जल चुकी है, पतीली खाली है। मम्मी कढ़ाई च नहीं बनानी, कढ़ाई च सब्जी। हमारी मम्मी ज्यादातर सब्जी इसी पतीली में बनाती हैं। इसमें तो आप देख सकते हो, कड़छी च पाला तेल साफ वाला। ठीक है, तो मेरा ओ देख ओदे च सिटिया पे ओदा तिया ओदा के कर जा। हां हां लिखता हूं मैं, पे कुछ नहीं है। सट बने हम देखिए। चल कोई ना, चलो तेल, सरसों का तेल देख सकते हो आप। इसमें सरसों का तेल डाल लिया है 1.5 चम्मच का, कड़छी। गर्म हो रहा है, जो फ्रेश गोभी की हमने काट ली है, और प्याज भी है, जो मम्मी धो कर डालेंगे। ये मेरी माता है, देख सकते हैं। जीरा नहीं पाना मैं, हाँ जीरा भी देख दूंगी। देसी तरीका साडा सिंपली, बिल्कुल सब्जी बनाता। एक दो कटे हुए प्याज से वो मतलब कि हमने भून लिए हैं, और ये जीरा है, मम्मी जीरा डाली है हाथ में। देख सकते हो कि हमारी प्याज भून गई है, लहसुन हम खाते नहीं हैं, और टमाटर इस समय बहुत महंगे हैं, देख सकते हो आप। और आग हमारी बहुत अच्छे से जल रही है। अरे मैं हूँ, दिख रही होंगी आपको। अरे मम्मी हल्दी नमक मिर्च डाल ली है, सब्जी है हमारी गोभी जो भी अभी लेकर आई थी मैं। मसाले दिखा रहा हूँ, यह हल्दी मिर्च, धनिया पाउडर और नमक है। मटर है मम्मी डाल रही है, ये धोकर मसाला बन गया है इसी में। अरे गोभी है और आलू है इसके साथ में दो। Bye.
वो मम्मी ने मटरों में थोड़ा सा पानी डाल दिया है पहले, ताकि जो मटर है वो अच्छे तरीके से पक जावे, क्योंकि आजकल मटर जल्दी पकती नहीं है, इसलिए वो थोड़ी सी हम मटर को पहले पकाएंगे, उसके बाद आलू गोभी को हम डालेंगे। देख सकते हो गोभी है और ये आलू है। हमारा सेक लग गया, हम कर देंगे। हाँ मम्मा ने चने लिया और मम्मी हरा धनिया लेने चली गई है। इसमें भी जो साइडों में प्याज थी थोड़ी सी रह गई है, कुछ बात नहीं है, बाद में डाल देंगे। मुझे कच्ची गोभी बहुत ही पसंद है। आप देख सकते हो कि मटरों में उबाल आ रहा है। देखिए मटर उबल रही है। तो अभी हम गोभी डाल देंगे जो पानी में धोई हुई है। बिल्कुल सिंपल सब्जी है गाइस हमारी। इवनिंग के 5 बज चुके हैं। इससे पहले मैं गाय का दूध निकाल कर आई हूँ, गाय का मिल्किंग करी है। अब हमने देख सकते हो कि सब्जी बनाई है, फिर हम रोटी बनाएंगे आटा लगाकर इसी चूल्हे पर। तो आप देख सकते हो कि कितना प्यारा कलर आया है हमारी सब्जी का, आलू गोभी की सब्जी और मटर की का। तो अब हम इसको ढक देंगे। अरे गाइस मैं हूँ और ये हमारी सब्जी बन रही है, आप देख सकते हो। और हाँ, और इधर मम्मी हरा धनिया लाई है, दिखाना। थोड़ी सी लकड़ी लाई है और ये हरा धनिया लेकर आई है मम्मी सब्जी में डालने के लिए। दिखा तो देख सकते हो बिल्कुल ग्रीन ताजा एकदम फ्रेश, जिसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है ना, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। देख सकते हो कि अभी अभी हमने ये धनिया तोड़ा है। तो इधर देख लो मम्मी, मम्मी सब्जी का कलर दिखाई। देखिए आप हमारी गोभी की सब्जी का कलर कितना अच्छा आया है। हेलो गाइस, तो ये मेरे पास कटा हुआ हरा धनिया है जो हम अब उसकी आलू गोभी की सब्जी में डालेंगे। आप देख सकते हो कि अभी यहाँ अंधेरा हो गया है। तो गाइस आप देख सकते हो कि ये मेरी सब्जी है जो बन के तैयार हो गई है, और इसमें मैंने हरा धनिया डाल दिया है। तो आप देख सकते हो कि सब्जी का कलर कितना प्यारा आया है। देखिए आप, ये हमारी आलू गोभी और मटर की सब्जी है। देखिए आप इतनी अच्छी बनी है सब्जी, जो खाने में बहुत ही टेस्टी है। और आप इसको इतने सिंपल तरीके से बनाओगे तब भी आपकी सब्जी बहुत अच्छी बनेगी। देखिए आप, और हमने चूल्हे पे बिल्कुल देसी तरीके से बनाई है। देखिए,
और वीडियो कैसी लगी जरूर बता।